हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन लाइफ क्रिएशन लेट्स कुकिंग। और आज की हमारी रेसिपी चिकन बिरयानी की है, जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक, टमाटोस और सारे मसाले रेडी करके रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और 1/2 केजी मैंने राइस लिए हैं। पैन में मैंने ऑयल रखा, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैंने बटर ऐड किया और उसके बाद खड़े मसाले और उसके बाद ऑनियन ऐड करके इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे भी ब्राउन होने देंगे। और यहाँ पे हमारी ऑनियन और गार्लिक जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून रेड चिली ऐड करने वाली हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टमाटोस और ग्रीन चिलीज। अब यहाँ मैं ऐड करूँगी अपने मसाले, इसे अच्छे से पहले भुनेंगे उसके बाद हमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें है बिरयानी मसाला, मिक्स मसाला, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि जो हमारे टमाटोज हैं वो भी अच्छे से गल नहीं जाते। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मसाला कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इस मसाले में अपने चिकन को ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे। यहाँ मैं 5 मिनट तक अपने चिकन को ढक दूंगी और इसे अच्छे से पकने दूंगी। यहाँ देख सकते हो आप, 5 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है उसने पानी भी छोड़ दिया है और ये अच्छे से गल भी गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना, मैं अपने राइस के हिसाब से यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे बॉईल होने देंगे और यहाँ पे बॉईल जो है आ गया है। मैंने चावल जो थे वो पहले से ही धो कर रख दिए थे और अब मैंने वही धोए हुए चावल जो है इसमें ऐड किए। अब हम इन्हें भी पहले बॉईल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर रखेंगे। और यहाँ पे हमारी जो बिरयानी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी है। अब हम रायता बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, ये कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको अच्छे से पहले मैश करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, इन्हें भी अच्छे से मैश करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हमारी जो रायते की चटनी है वो रेडी है, इसमें हम ऐड करेंगे अब फ्रेश कर्ड और इसे मिक्स करेंगे और हमारा जो रायता है वो बिल्कुल रेडी है। आप बूंदी वाला रायता भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी बता दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा रायता रेडी है और हम
अब हम करेंगे हमारी बिरयानी की सर्विंग, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। यहाँ पे मैंने कुछ सैलेड रख दिए हैं, अब मैं ऐड करूँगी बिरयानी। उसके बाद रायता, और आप देख सकते हो हमारी बिरयानी कितने अच्छे से रेडी है। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।